ये कोई नॉर्मल सनग्लासेस नहीं है, ये है एक स्मार्ट ग्लासेस जिससे आप जो है काफ़ी कुछ कर सकते हैं। और ऐसे वाले स्मार्ट ग्लासेस आपको यहाँ पर जो है अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर जो है काफ़ी सारे देखने को मिल जाते हैं, बट उनका जो प्राइस है यहाँ पर 3,000 से 5,000 रुपये के बीच में होता है। बट ये वाले जो स्मार्ट ग्लासेस है ना, मैंने सिर्फ 850 रुपीज़ में ही बाई किए हैं। तो आज के वीडियो में जो इसे टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि ये जो स्मार्ट ग्लासेस है कुछ काम के भी है या फिर नहीं। तो ये जो है ना यहाँ पर कुछ इस टाइप के जो है बॉक्स में आते हैं, बॉक्स पर आपको यहाँ पर जो इसके कुछ फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो फीचर्स को यहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो में कैसे भी हम बात करने ही वाले हैं फीचर्स के बारे में। तो सीधा बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या है। तो सबसे ऊपर ही आपको यहाँ पर जो स्मार्ट ग्लासेस देखने को मिल जाते हैं, तो फिलहाल के लिए जो इन्हें निकाल कर साइड में रख लेते हैं। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर जो एक चार्जिंग केबल देखने को मिल जाता है, ये जो है USB 2 Type-C वाला केबल है। एंड केबल का क्वालिटी भी जो अच्छा ही लग रहा है। एंड यहाँ पर जो एक यूज़र मैनुअल भी है जिसे आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो। वैसे तो आपको यहाँ पर जो यूज़र मैनुअल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप जो है इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो। एंड बॉक्स में जो यहाँ पर ब्लैक कलर के एक्स्ट्रा लेंसेज भी है इसमें। तो ये वाले जो स्मार्ट ग्लासेस है ना, दो लेंस के साथ आते हैं जिसके बारे में बात करेंगे आगे वीडियो में। एंड यहाँ पर जो एक वेलकम कार्ड भी है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर जो है वारंटी कार्ड नहीं दिया, तो शायद इस पर वारंटी है भी या फिर नहीं, पता नहीं। तो ये सब चीज़ों को जो है साइड में रखते हैं और डायरेक्टली जो है ग्लासेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्लासेस में आपको यहाँ पर जो है कुछ इस टाइप का लुक देखने को मिल जाता है। ये जो है ना दिखने में अच्छा ही है, नॉर्मल सनग्लासेस जैसे होते हैं ना सेम उसी टाइप का लुक है इसमें भी। बट इसका जो स्टिक है ना साइड में थोड़ा सा मोटा है, क्योंकि यहाँ पर जो स्पीकर वगैरह इसलिए। और यहाँ पर जो ब्लैक वाले लेंसेज है ना, उस पर यहाँ पर जो एंड स्पोर्ट का लोगो है, लेकिन जो व्हाइट लेंसेज है ना उस पर कुछ भी लोगो वगैरह नहीं है। ग्लासेस के एक तरफ तो यहाँ पर जो है सिर्फ ब्रांड का लोगो है, लेकिन दूसरी तरफ आपको यहाँ पर जो है माइक, बटन, चार्जिंग पोर्ट, LED इंडिकेटर वगैरह देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर दोनों तरफ आपको यहाँ पर जो है नीचे की तरफ जो स्पीकर देखने को मिल जाते हैं इसमें। और ये वाले जो ग्लासेस है ना यहाँ पर दो लेंसेज के साथ आते हैं, व्हाइट और ब्लैक लेंसेज। तो जो व्हाइट लेंसेज है ना वो यहाँ पर जो है ब्लू लाइट फिल्टर के साथ आते हैं, जो कि आपके आईज को जो है 50% तक जो है हार्मफुल ब्लू लाइट से जो है प्रोटेक्ट करते हैं। एंड जो ब्लैक लेंसेज है वो यहाँ पर जो है पोलराइज्ड लेंसेज है, सिंपल वर्ड्स में बोलो तो आपके आईज को जो है सनलाइट से जो है प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर जो है लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो या फिर गेमिंग कर रहे हो, जब यहाँ पर आप जो है व्हाइट लेंसेज को यूज़ कर सकते हो, या फिर आप जो है बाहर कहीं जा रहे हो या फिर ड्राइविंग करते टाइम यहाँ पर आप जो है ब्लैक लेंसेज को यूज़ कर सकते हो नॉर्मल सनग्लासेस की तरह। और इन लेंसेज को चेंज करना भी जो है काफ़ी ज़्यादा ईजी है, बस अंदर की तरफ से आपको यहाँ पर जो है लेंस को थोड़ा सा बाहर की तरफ जो है पुश करना है, तो ईजिली यहाँ पर जो है लेंसेज बाहर आ जाते हैं और दूसरे लेंस को आप लगा सकते हो। एंड इन ग्लासेस में आपको यहाँ पर जो है व्हाइट लेंस के साथ जो है कुछ इस टाइप का लुक देखने को मिलता है, और ब्लैक लेंस के साथ आपको यहाँ पर जो है कुछ इस टाइप का लुक देखने को मिलता है, तो आप देख लेना। और ये जो ग्लासेस है ना उतने भारी नहीं है, इनका जो वेट है ना 37 ग्राम्स के आसपास ही है, तो इसे जो है यहाँ पर आप ज़्यादा देर भी यूज़ कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो चलिए अब जो है इस ग्लासेस के जो है कुछ टेक्निकल फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनमें आपको यहाँ पर जो है ब्लूटूथ वर्जन 5.0 देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा बहुत जो है आउटडेटेड वर्जन ही है ब्लूटूथ का, फिर भी जो इसका कनेक्टिविटी है वो अच्छा ही है, काफ़ी इंस्टेंटली जो है मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है। और मैंने ना यहाँ पर अमेज़न इनका वेबसाइट जो है पूरा चेक किया, बट इन्होंने कहाँ पर भी जो स्पीकर के वॉट्स के बारे में जो है मेंशन नहीं किया है, तो पता नहीं कितने वॉट्स के स्पीकर इन्होंने यूज़ किए, बट इसका जो साउंड क्वालिटी है वो डिसेंट है। तो साउंड क्वालिटी से जो ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, नॉर्मल सा ही साउंड क्वालिटी है इसमें। इसे आप यहाँ पर जो है नॉर्मली वीडियोज़ ना तो म्यूज़िक वगैरह सुनने के लिए यूज़ कर सकते हो। साउंड में जो डिटेलिंग है ना वो ठीक ठाक है, लेकिन बेस आपको यहाँ पर जो है बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है इसमें। बट इसका जो लाउडनेस है ना वो अच्छा है, लेकिन ऑब्वियसली इसमें से जो है साउंड काफ़ी बाहर आता है, आजू बाजू वालों को भी सुनाई देगा जो भी आप सुन रहे हो। बट क्या है ना, आप यहाँ पर जो है साउंड को थोड़ा सा कम रखते हो ना, जैसे कि अगर आपने जो 30 या फिर 40% पर वॉल्यूम को रखा ना, तो जो साउंड है ना वो आपको जो है ज़्यादा सुनाई देगा, साइड्स वालों को उतना ज़्यादा सुनाई नहीं देगा। बट कोई बहुत पास बैठा है आपके तो डेफिनेटली उसको तो सुनाई देगा। तो साउंड यहाँ पर जो आप कितना भी कम रख लो, आजू बाजू वालों को जो है थोड़ा बहुत तो सुनाई देगा ही। और अभी जब यहाँ पर साउंड सुन रहे हो, मैंने इसी जो है ग्लासेस के माइक से रिकॉर्ड किया, तो यहाँ पर आप जो साउंड सुन के जज कर सकते हो कि किस टाइप के आपको यहाँ पर जो माइक की क्वालिटी देखने को मिलती है इसमें। और ये वाले जो ग्लासेस है ना यहाँ पर 60 ms की लो लेटेंसी के साथ आते हैं, तो मैंने इसे जो है गेमिंग में ट्राई किया था, बट लेटेंसी डेफिनेटली है, साउंड जो है थोड़ा सा लेट ही आ रहा था। मैंने जो यहाँ पर सिर्फ फ्री फायर में ट्राई किया इसे, तो साउंड तो डेफिनेटली थोड़ा सा लेट आ रहा था, गेम प्लेबल ही था बट साउंड थोड़ा सा लेट आ रहा था, तो उतना मज़ा नहीं आ रहा था गेम खेलने में। तो गेमिंग के लिए जो है मैं पर्सनली आपको रिकमेंड नहीं करूँगा ये। और यहाँ पर जो है कुछ बटन्स भी है, तो इनके बारे में भी जो आपको एक बार बता देता हूँ मैं। तो पावर बटन से यहाँ पर आप जो है वीडियो नहीं तो म्यूज़िक को जो है प्ले और पॉज कर सकते हो। बाकी वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए तो आपको यहाँ पर जो है सेपरेटली बटन्स मिल जाते हैं इसमें, तो इन बटन पर जो है लॉन्ग प्रेस करके रख के यहाँ पर आप जो है वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पर जो है माइनस वाले बटन पर एक बार प्रेस करते हो, तो यहाँ पर आप जो है प्रीवियस वीडियो ने तो प्रीवियस म्यूजिक पर जा सकते हो। सेम उसी तरीके से यहाँ पर आप जो है प्लस वाले बटन पर क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो ने तो नेक्स्ट म्यूजिक पर जा सकते हो। एंड पावर बटन पर एक बार क्लिक करके यहाँ पर आप जो है कॉल को रिसीव कर सकते हो और कॉल को एंड कर सकते हो। एंड कॉल को रिजेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर जो है पावर बटन पर जो है 2 सेकंड तक लॉन्ग प्रेस करके रखना है। और इसमें जो यहाँ पर 1200 mAh की जो है बैटरी का यूज़ किया गया है, जहाँ पर आपको अपटू 4 आवर्स तक का जो बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा अगर आप जो है वॉल्यूम को 50% से भी कम रखते हो तो। बट अगर आप यहाँ पर जो है वॉल्यूम को ज़्यादा रखते हो, तो 2 से 3 घंटे तक का जो है बैटरी बैकअप आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे। इसका प्राइस जो है पहले ज़्यादा था, 1200 या फिर 1300 रुपये था, बट रिसेंटली ये जो है ना 850 रुपीज़ में मिल रहे थे, बट अभी मैंने चेक किया तो 899 रुपीज़ में मिल रहे हैं अमेज़ॉन पर ये।
एंड इनका लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो एक बार जाके जो है ग्लासेस को चेकआउट कर लेना। तो ओवरऑल अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये वेस्ट नहीं है, डेफिनेटली इसके जो कुछ यूज़ केसेस है जैसे कि ड्राइविंग करते टाइम जो ये काफ़ी यूज़फुल रह सकता है। डायरेक्टली यहाँ पर आप जो है ग्लासेस से ही बात कर सकते हो, तो आपको यहाँ पर ईयरबड्स लगाने का या फिर फ़ोन जेब से निकाल के बात करने का ज़रूरत नहीं है। और जो वाइट लेंसेस है वो यहाँ पर जो है ब्लू लाइट फिल्टर के साथ आते हैं, तो ज़्यादा आप जो है पीसी पर वर्क करते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर आप जो है वाइट लेंसेस को यूज़ कर सकते हो। एंड गेमिंग करते टाइम भी डेफिनेटली ज़्यादा कि आप गेमिंग करते हो तो फिर भी आप यहाँ पर जो है वाइट लेंसेस को यूज़ कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो आपके आइज़ को जो है प्रोटेक्ट करता ही है ब्लू लाइट से। एंड ऑब्वियसली नॉर्मल सनग्लासेस की तरह भी यूज़ कर सकते हो बाहर जाते टाइम, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट तो अच्छा है लेकिन सभी के लिए जो उतना यूज़फुल नहीं रहेगा। तो बस यही था दोस्तों आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी जो सब्सक्राइब कर लेना।